students hope you all are doing well today we are doing a chapter and the name of the chapter is our government our government yani hamari sarkar yani india hum india mein rehte hain to indian government ke bare mein hum padhenge let's start the chapter india was ruled by the british for hundreds of years it became an independent country on 15th august 1947 अ ग्रुप ऑफ मेम्बर्स इज इलेक्टेड बाई द पीपल टू टेक केयर ऑफ द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज नोन एज द गवर्नमेंट गवर्नमेंट हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या होती है बच्चों एक ऐसा ग्रुप ऑफ मेबर्स ऐसा ग्रुप ऐसा ग्रुप जिसमें जो मेंबर्स हैं वो लोगों द्वारा इलेक्टेड लोगों ने जो चुने होते हैं वो मेंबर बनते हैं और ऐसा ग्रुप जो पूरे कंट्री की टेक केयर करता है उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाता है उस ग्रुप को नाम दिया गया है गवर्नमेंट का ओके तो इंडिया जो है वहाँ पर हंड्रेड इयर्स तक ब्रिटिशर्स का अंग्रेजों का रूल रहा उन्होंने राज किया और जब इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो एक ऐसी सरकार बनाई गई ऐसी गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें इंडिया के ही लोग थे सब भारतीय थे लोगों ने ही उन्हें चूज़ किया था कि ये जो ग्रुप है ये हमारे लिए हमारी कंट्री के लिए रूल बनाएगा हमारी कंट्री की टेक केयर करेगा हमें सुरक्षा प्रदान करेगा और हमारे लिए भलाई का काम करेगा तो उस ग्रुप को नाम दिया गया गवर्नमेंट का ओके इट फ्रेम्स लॉज टू रन द कंट्री स्मूथली गवर्नमेंट का क्या काम है गवर्नमेंट का काम है इट फ्रेम्स लॉज टू रन द कंट्री स्मूथली ताकि जो देश है वो आसानी से शांति के साथ बिना किसी लड़ाई झगड़े के साथ चल सके वहाँ के लोग वहाँ आसानी से रह सकें तो ऐसे कानून बनाना ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट क्या करती है इट डिसाइड्स वेयर टू बिल्ड रोड्स स्कूल्स हॉस्पिटल्स पार्क्स स्टेडियम स्टेशंस और एयरपोर्ट और गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो निश्चित करती है कौन सी जगह पर रोड बनाने चाहिए कौन सी जगह पर स्कूल होने चाहिए कौन सी जगह पर हॉस्पिटल पार्क स्टेडियम या स्टेशंस या एयरपोर्ट किस जगह पर बनाने चाहिए ये ताकि लोगों को बहुत सारी सुविधाएँ मिल सकें ये गवर्नमेंट का काम है ओके तो अब समझ आया आपको गवर्नमेंट हमारे लिए कितनी ज़रूरी है कितनी इम्पॉर्टेंट है आर लीडर्स रियलाइज दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर वन गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर सच ए बिग कंट्री जो हमारे नेता थे जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने रियलाइज़ किया जब गवर्नमेंट बनाई तो उन्होंने रियलाइज़ किया उनको महसूस हुआ कि इतनी बड़ी कंट्री चलाना एक गवर्नमेंट का काम तो नहीं है तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम गवर्नमेंट के पार्ट बना दें ओके आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वॉज डिसाइडेड टू डिवाइड इट इन टू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड स्टेट्स तो आज़ादी के बाद इंडिपेंडेंस के बाद डिसाइड किया उन्होंने लीडर्स ने डिसाइड किया क्यों ना हम इंडिया को डिवाइड करके अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दें और छोटी छोटी यूनिट बना दें और वहाँ के लिए अलग से लीडर चूज़ कर दें ताकि आसानी से रन हो सके कंट्री हमारी ओके देयर वुड बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रन द होल कंट्री तो उन्होंने एक बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट जिसका काम था पूरी कंट्री को रन करना पूरी कंट्री के बारे में सोचना there would also be a separate state government to look after the welfare of people for every state. तो so, हर एक state जैसे इंडिया में 28 states हैं, तो हर एक state के लिए एक state government बनाना ताकि वो अपने state में रहने वाले सिर्फ वो responsible होगी अपने state में रहने वाले लोगों के लिए, तो उनकी भलाई के लिए, okay? तो एक state government हो गई और एक central government. central government जो सारी state government से ऊपर होगी, जो पूरी country के बारे में सोचेगी और cent स्टेट गवर्नमेंट जो अपने स्टेट में रहने वाले लोगों के बारे में सोचेगी बस ओके द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑल्सो लुक आफ्टर सम स्मॉल पार्ट्स ऑफ द कंट्री कॉल्ड द यूनियन टेरिटरीज़ और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये पूरी कंट्री के अलावा कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनको यूनियन टेरिटरी बोला गया है उनका भी लुक आफ्टर करती है वहां के लिए भी रूल एंड रेगुलेशन बनाती है ओके okay? तो हम डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे फर्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो लॉ बनाते हैं जो कानून बनाते हैं देश के लिए वो कहां से बनते हैं बच्चों पार्लियामेंट से ओके okay? तो वो साइड में आप पिक्चर देखोगे दैट इज द पिक्चर ऑफ पार्लियामेंट हाउस तो जितने भी कानून बनते हैं लॉ बनते हैं देश के लिए वो सारे पार्लियामेंट से बनते हैं इट कंजिस्ट ऑफ द प्रेजिडेंट एंड टू हाउसेज पार्लियामेंट दो पार्ट में डिवाइड है पार्लियामेंट में आते हैं प्रेजिडेंट जो कि राष्ट्रपति और टू हाउसेसभा एंड राज्यसभा द प्रेजिडेंट इज दफ द यूनियन ऑफ इंडिया ही लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन देयर इज ऑल्सो अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाई द प्राइम मिनिस्टर To advise the president in carrying out his her duties. The prime minister, the president, the vice president, other ministers, and officers of the central government live and work in New Delhi, the capital of India. The President of India is the head of Union of India. Puri government ka head bacho the president. जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हमारी पूरी गवर्नमेंट के पूरी यूनियन ऑफ इंडिया के हेड होते हैं ही लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन कहाँ रहते हैं वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं उनके अलावा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होती है एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर होता है जिसका हेड कौन होता है प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जो है वो हेड होता है उस ग्रुप का और प्राइम मिनिस्टर टू एडवाइज़ द प्रेजिडेंट इन कैरिंग आउट हिजर ड्यूटीज अब अकेले सारी काम जो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अकेले प्रेजिडेंट नहीं ले सकता तो उसकी हेल्प के लिए प्राइम मिनिस्टर उसको सलाह मशवरा देता है जिसके अंडर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी आते हैं तो सबकी राय लेके प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि कंट्री के लिए क्या करना है कौन से लॉज सुटेबल रहेंगे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और बाकी जो भी मंत्री हैं इंडिया के और जो भी ऑफिसर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो न्यू डेली से काम करते हैं जो कि न्यू दिल्ली जो राजधानी है इंडिया की तो सब लोग वहां से काम करते हैं और वहीं कुछ लोग वहीं रहते भी हैं ओके अब हम बात करते हैं लोकसभा की लोकसभा द स्पीकर इज एन इम्पोर्टेंट ऑफिसर ऑफ द लोकसभा लोकसभा में सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर कौन होता है स्पीकर ओके ही शी कंडक्ट्स द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा लोकसभा में जो भी कामकाज होता है जो भी कार्य चल रहा होता है उसको कौन कंडक्ट करता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीकर ओके इट इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा तो जो लोकसभा है वो पार्लियामेंट का लोअर हाउस है पीपल ऑफ ईच स्टेट इलेक्ट मेम्बर्स टू रिप्रेजेंट दैम इन द लोकसभा हर एक स्टेट के अपने अपने लीडर चुने जाते हैं ताकि वो अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकें दे आर कोल्ड द मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट और इनको क्या बोलेंगे मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि एमपी। एमपी एम पी के इलेक्शन होते हैं दे आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स इलेक्शंस आर हेल्ड अगेन आफ्टर एवरी फाइव ईयर और इनकी टर्म क्या होती है इनकी पाँच साल के लिए इलेक्ट होते हैं जो कि हर एक पांच साल में इलेक्शन होते हैं वो एम के इलेक्शन होते हैं मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट के जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं ओके okay? अब हम बात करते हैं राज्यसभा की राज्यसभा मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा ट्वेल्व मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट जो राज्यसभा है दैट इज़ ओल्सो द अपर हाउस ऑफ आर पार्लियामेंट राज्यसभा हमारा अपर हाउस है पार्लियामेंट का और यहाँ के जो मेंबर हैं राज्यसभा के वो स्टेट गवर्नमेंट के जो मेंबर्स हैं वो उनको चूज करते हैं इलेक्ट करते हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का और 12 मेंबर्स, जो 12 सदस्य हैं वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति खुद नॉमिनेट करता है ओके नेक्स्ट इज़ स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट देर आर ट्वेंटी नाइन स्टेट्स इन इंडिया पहले हमने बात की थी ट्वेंटी एट तेलंगना इज़ ऑलसो देयर तो ट्वेंटी नाइन स्टेट है इंडिया में एवरी स्टेट हैज़ इट्स ऑन गवर्नमेंट इलेक्टेड बाई द पीपल हर एक स्टेट की अपनी खुद की गवर्नमेंट खुद की सरकार होती है जिसको लोग चूज करते हैं लोग वोट डाल के इलेक्ट करते हैं चुनते हैं द गवर्नर चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट लिव इन द कैपिटल ऑफ दैट स्टेट और जितने भी वहाँ के मंत्री होते हैं जैसे गवर्नर है या मुख्यमंत्री है या बाकी जो भी मंत्रीगण हैं या बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो उस स्टेट की कैपिटल उस स्टेट की जो भी राजधानी होती है कैपिटल होती है वहाँ रहकर काम करते हैं द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड लिव्स इन द राजभवन और स्टेट का जो हेड है वो होता है गवर्नर जो राजभवन में रहता है द चीफ मिनिस्टर फॉर्म्स द गवर्नमेंट एलोंग विद द मिनिस्टर्स और मुख्यमंत्री अपनी एक सरकार बनाता है अपने मिनिस्टर्स के साथ अपने मंत्रियों के साथ द पीपल ऑफ द स्टेट कास्ट दे वोट्स एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव जो भी स्टेट के लोग हैं वो वोट डालते हैं और अपने लीडर को अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी अपने मुखिया को चूज करते हैं दे आर कोल्ड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एम एल ए और उनको क्या कहते हैं बच्चों एम एल एस यानी मेंबर ऑफ द लैजिसलेटिव असम्बली द legislative assembly इज अ बॉडी दैट मेक्स law एंड governs द स्टेट Legislative असेंबली क्या होती है Legislative assembly एक सरकार का एक पार्ट है जो कानून बनाती है एक ऐसी बॉडी यानी ऐसा पार्ट जो कानून बनाता है और स्टेट को रन करता है द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर हेल्थ education, वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड also maintains लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होता है स्टेट गवर्नमेंट लोगों की वहाँ स्टेट में रहने वाले लोगों की हेल्थ का ध्यान रखती है उनके लिए हॉस्पिटल्स वगैरह बनवाती है एजुकेशन का ध्यान रखती है पढ़ाई का ध्यान रखती है इंस्टीट्यूट वगैरह या स्कूल वगैरह ओपन कराती है वेलफेयर ऑफ़ द पीपल लोगों की भलाई के लिए और भी फैसिलिटी के लिए जो भी सुविधाएँ होती हैं वो उनको बनाती है और मैंटेन लो एंड ऑर्डर अपने स्टेट में लो एंड ऑर्डर कानून और उनको कैसे फॉलो कराना है उन रूल्स को वो फॉलो कराती है अपने स्टेट में रहने वाले लोगों से ओके? अब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ की देयर आर सेवन यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में सेवन डेली इज ऑल्सो वन ऑफ देम डेली भी उनमें से एक है यूनियन टेरिटरीज आर रूल डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा कि पहले हमने पढ़ा था जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरी कंट्री का वेलफेयर करती है पूरी कंट्री का ध्यान रखती है और यूनियन टेरिटरीज का भी तो यूनियन टेरिटरीज किसके के अंडर आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दीज यूनियन टेरीट्रीज आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द ट्वेंटी स्टेट्स ट्वेंटी स्टेट्स अलग हैं और ये सेवन यूनियन टेरीट्री अलग हैं लोकल गवर्नमेंट्स हेल्प्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द यूनियन टेरिटरी जो भी लोकल गवर्नमेंट वहाँ की होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प कर देती है सहायता कर देती है अगर यूनियन टेरिटरी में कोई भी ऐसा मैटर आता है जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी हेल्प ले सकती है इंडिया इज़ अवज़ कंट्री एंड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी मीन्स ऐसी सरकार जो लोगों द्वारा बनाई जाती है हम खुद वोट डालते हैं जो भी एटीन अबोव पीपल होते हैं वो वोट डालते हैं और अपनी सरकार खुद चूज करते हैं तो पूरे वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया और बहुत बड़ी कंट्री है इट हैज़ मैनी रीजन्स क्लाइमेट्स लैंडफॉर्म्स एंड लैंगवेजेज बहुत सारे अलग अलग एरिया हैं बहुत सारे अलग रिलीजन धर्म हैं क्लाइमेट अलग है लैंडफॉर्म्स हैं यहाँ कहीं समतल है कहीं पे पहाड़ हैं कहीं पे वैलीज हैं घाटियाँ बनी हुई हैं और अलग अलग लोग लैंग्वेज भाषाएं भी अलग अलग बोलते हैं दिस डिफरेंसेस डू नॉट डिवाइड द पीपल फिर भी इतना डिफरेंस होते हुए इतनी सारी वैराइटी होते हुए जो लोग हैं यहाँ के वो एक हैं एक साथ रहते हैं एंड पीपल लिव टुगेदर पीसफुली दे लव एंड रिस्पेक्ट वन एन अदर लोग यहाँ पीसफुली शांति के साथ रहते हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं प्रेम भावना के साथ रहते हैं एक दूसरे को सम्मान देते हैं ओके okay? नाउ हम यूनियन टेरिटरी और उनकी कैपिटल्स के बारे में बात करते हैं कितनी यूनियन टेरिटरी है बच्चों सेवन उनके बारे में हम पढ़ेंगे द फर्स्ट इज डेली एंड द कैपिटल इज न्यू डेली ओके सेकेंड इज द एंड दीव Daman and Diu capital is Daman. Third is Dadar and Nagar Haveli. And the capital is Silvasa. Fourth is Chandigarh. And the capital itself Chandigarh. Next is Lakshadweep. Capital is Kavarati. And the next is Pondicherry. And the capital of Pondicherry is Pondicherry itself. Next is Andaman and Nicobar Island. एंड द कैपिटल इज पोर्ट प्लेयर ओके बच्चों तो ये हमारी सेवन यूनियन टेरेटरीज थी और उनकी कैपिटल सिटी के बारे में हमने पढ़ा तो इस चैप्टर की रीडिंग आप दोबारा करेंगे होप आपको ये चैप्टर समझ आया है और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे